सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम 360 डिग्री रिवीजन करने जा रहे हैं, अर्थात फटाफट रिवीजन करेंगे। समय हमारे पास कम है, कम समय का सदुपयोग अधिकाधिक कैसे किया जाए, इसके लिए पूरी चीज का रिवीजन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ज़्यादा फॉर्मेलिटी न करते हुए, औपचारिकता से दूर रहते हुए, हम एक बार पुनः रिवीजन की ओर कदम उठाते हैं। आपको पता है कि हमारा प्रथम पाठ है भ्रमर गीत के पद, जो कवि सूरदास ने लिखा है। और भ्रमर गीत से क्या आशय है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब कृष्ण मथुरा से उद्धव को भेजते हैं, जो उनके सखा है, और वो ज्ञान और योग की बातें बताते हैं, ऐसे में गोपियां हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है, तभी भ्रमर का आगमन होता है। और भ्रमर के बहाने उद्धव को दिए गए ताने साहित्य में भ्रमर गीत के नाम से जाने जाते हैं। भ्रमर गीत का पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अर्थात इस पद से जो प्रश्न बन सकता है, वो बन सकता है कि गोपियों ने उद्धव को बड़भागी बताया, इसमें उनका क्या व्यंग्यार्थ है, क्या व्यंग्यार्थ है, यहां से ऐसा प्रश्न बनेगा, या क्या व्यंजना है। तो आपका उत्तर होगा कि उद्धव वास्तव में भाग्यशाली नहीं है, बल्कि गोपियों ने यहाँ उद्धव को भाग्यशाली बताकर उन पर व्यंग किया है। और यहाँ हम कह सकते हैं कि वक्रोक्ति अलंकार की छटा भी देखने को मिली है। क्यों कहा है कि उद्धव को भाग्यशाली कहने में, अगला प्रश्न, उद्धव को भाग्यशाली कहने में गोपियों का क्या तर्क है, क्या व्यंग है। नीचे लिखा है, अप्रस रहते स्नेहत गाते नाहिन मन अनुरागी। अर्थात आप प्रेम से अछूते रहे, प्रेम में कभी भी आपने अपना ध्यान नहीं लगाया, पूरे निपात रह जल भीतर। अगला प्रश्न कि उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए प्रेम को नहीं जान पाए, इसकी तुलना गोपियों ने किस किस से की है, किस किस से की है। नंबर वन, पूरे निपात कमल के पत्ते से, जो कि जल के भीतर रहता है लेकिन एक जल की बूंद भी अपने लगने नहीं देता है। दूसरी तुलना, जो जलमा है तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। अर्थात जिस प्रकार जल के अंदर अपन तेल लगे घड़े को जब रखते हैं तो उसकी बूंद भी नहीं लगती है। दूसरी तुलना, पहली तुलना पुराने निपात से, दूसरी तुलना तेल की गागरी से। तीसरी, प्रीति नदी में पावन भरो दृष्टि रूप रागी। आपके पास प्रेम रूपी वो दृष्टि है ही नहीं, और आपने प्रीति नदी में, प्रेम रूपी नदी में कभी कदम रखा ही नहीं। यहाँ रूपक अलंकार की व्याप्ति है। और सूरदास अबला हम भोरी गुरु चाटी जो पागी। सूरदास ने गोपियों को अबला कहा है और हम भोली भाली हैं, गोपियों की विशेषता है अबला और भोली भाली। गुड़ चाटी जो पागी, अर्थात जिस प्रकार गुड़ की चिट्ठी चिपक जाती है, वैसे हम कृष्ण प्रेम से चिपकी हुई हैं, हम आजीवन कृष्ण प्रेम से अलग नहीं हो सकती। तो यह है गुड़ चाटी जो पागी। यहाँ उदाहरण अलंकार की व्याप्ति, यहाँ पर रूपक अलंकार की व्याप्ति, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की व्याप्ति, यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार की व्याप्ति, भाषा ब्रज, छंद पद। और साथ ही साथ हम ये बता सकते हैं कि शैली है वो संस्कृत निष्ठ अर्थात तत्सम प्रधान शैली है। इस प्रकार से हम इसका काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही। अर्थात गोपियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, और यह भी प्रश्न बन सकता है कि गोपियों ने अपनी पीड़ा उद्धव के समक्ष किस प्रकार व्यक्त की है। तो यहाँ से आपका उत्तर बनेगा कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि हमारी मन की सभी इच्छाएं मन के अंदर रह गई है, कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही प्रत कहीं, हमें कहीं भी चैन नहीं है, आराम नहीं है, किस प्रकार कहें, किसको कहें, कैसे कहें, अवधि अधारा सावन की तनमन विथा सही। हमें एक निर्धारित समय तक हमने उनका इंतजार किया, मगर जब वो एक निर्धारित समय को भी पार कर गए, अब हम शारीरिक और मानसिक रूप से बीता यानी पीड़ा जो सह रही थी वो किस आधार पर सहें, अर्थात उनकी आश यानी उम्मीद थी, और अब कैसे सहें। अब यानी जोग संदेश नहीं सुनी विनय बिरह दई, जोग संदेश नहीं अर्थात योग संदेश, आपके योग संदेश को सुन सुनकर, सुनी सुनी पुनरक्ति प्रकाश अलंकार, जोग संदेश नहीं रूपक अलंकार, विरहनी विरहणियों का विरह दही यानी दग्ध जल रहा है, चाहती उतनी ग्वारी जितने हमते उतने दार भी, अर्थात जितने हमें उम्मीद थी उससे कहीं अधिक प्रश्न से हमें असहयोग है वो मिला। सूरदास अब धीरे धीरे की उम्र ज्यादा न रही, प्रश्न बन सकता है इनसे कि गोपियों के संबंध में कवि सूरदास ने ऐसा क्यों कहा कि अब वो किसी भी प्रकार की मर्यादा में न रहे तो भी उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि गोपियों ने निश्चित अवधि तक आने का इंतजार किया, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से पीड़ा सही, और योग संदेश को सुन सुनकर उनके विरह वह दग्ध उठा, जल उठा, अर्थात असहनीय उन्हें दुख हुआ,
और जहां कृष्ण से उन्हें उम्मीद थी वो उम्मीद भी अब तकरीबन पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। इस कारण कवि सूरदास कह रहे हैं कि अब धैर्य भी त्याग दें कौन गोपियां और मर्यादा भी त्याग दें तो भी उनकी गलती नहीं है, मैं गोपियों के समर्थन में हूं। कवि सूरदास भक्त हैं जो कि गोपियों के समर्थन में। तीसरा पद ये बताएगा कि यहां से प्रश्न बनेगा, तीसरे पद के आधार पर उसका उत्तर निकलेगा कि गोपियां कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी। ये सूरदास के किस पद के माध्यम से पता चलता है? तो सूरदास का पद है हमारे हरि हरिल की लकड़ी, अर्थात हमारे लिए ईश्वर हरिल की लकड़ी के समान है। ये एक जीवन सत्य को यहाँ पर प्रकट किया है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि कवि सूर के किस पद में जीवन सत्य प्रकट हुआ और कैसे हुआ है, हरिल पक्षी वाला प्रसंग आपको इसमें लिखना है। और कहती हैं अनन्य प्रेम का उत्तर यहां से स्टार्ट, मन कर्म वचन नंद नंदन उरिय दृढ़कर प्रक्रिया, मन से कर्म से वचन से नंद नंदन श्री कृष्ण के, अर्थात ये श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, नंद के पुत्र श्री कृष्ण और उनके हृदय में है ये बात आप दृढ़ता से जान लो। जागत जाग रही है, सो रही है, सपना आ रहा है, दिन है रात है, सिर्फ क्या कर रही है, कान है जकरी, सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण की पुकार कर रही है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी, आपका योग सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने करवी ककड़ी खा ली है। और प्रश्न यहाँ से बन गया है कि गोपियों ने उद्धव के योग की तुलना किससे की है, गोपियों ने उद्धव के योग की तुलना किससे की है? तो उत्तर यह है, योग की तुलना कड़वी ककड़ी से की है। सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुन न करी, दूसरी तुलना, ये एक ऐसा शारीरिक रोग है, व्याधि होता है शारीरिक रोग या कष्ट जो जिसका नाम हमने न तो आज तक सुना है और न जिसे देखा है, ये तो सूर के नहीं ले सको जिनके मन सक्रिय। अगला प्रश्न बन रहा है यहाँ से, गोपियों के अनुसार या कवि सूर के अनुसार योग किन के लिए लाभदायक है या किन के लिए जरूरी है? उत्तर यहाँ लिखा हुआ है कि यह योग उनके लिए है जिनके मन सक्रिय, अर्थात जिनका मन चंचल रहता है, एकाग्रचित नहीं रहता है, बेचैन रहता है, किसी में टिकता नहीं है, और हमारे लिए योग की जरूरत नहीं है। प्रश्न ये भी बन सकता है गोपियों ने ऐसा क्यों कहा कि हमें योग की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका मन एकाग्रचित है, उनका मन चंचल नहीं है, उनका मन रमा हुआ है किसमें, कृष्ण प्रेम में, और जिसका मन प्रेम में रमा हुआ है उन्हें योग की कोई जरूरत नहीं है। चौथे पद में गोपियों का उलहना प्रकट हुआ है और हरि है राजनीति पढ़ आए, अर्थात ईश्वर ने अब राजनीति पढ़ ली है। यहां से प्रश्न बन सकता है कि एक राजा का क्या धर्म होता है, और यह राजनीति पढ़ने से क्या से, राजा का एक धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख में भागीदार बने और प्रजा के हर प्रकार के दुख को सुख में तब्दील करे। तो यहाँ पर कृष्ण के संबंध में कहा कि वे राजनीति के बड़े खिलाड़ी हो गए हैं और वे अपने ही कूटनीति के अनुसार कार्य कर रहे हैं। समझी बात करते मधुकर के समझ पाए, अर्थात मधुकर यानी ब्रह्मर, ब्रह्मर का मतलब है उद्धव, यहाँ मधुकर शब्द है वो उद्धव के प्रयुक्त हुआ है कि मधुकर की बातें हम सुनकर सब समाचार पा लिए हैं। एक इति चतुर्थी पहले अब गुरु राधे, अर्थात यहाँ उलाना प्रकट हुआ, उपालम्ब जिसको आप पेपर में आपको ये भी मिल सकता है कि उपालम्ब प्रकट हुआ है। और बटी बुद्धि जाने जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए कि अब श्री कृष्ण की बुद्धि कैसे बढ़ गई जो हमें योग संदेश पढ़ा रहे हैं, अर्थात इसमें ये कहा कि वे अनिति कर रहे हैं और हमें अनिति सुनाने के लिए कह रहे हैं, और ये राज धर्म नहीं है जो प्रजा न जाय सताए। कवि सूरदास ने राज धर्म क्या बताया, प्रश्न बनेगा यहाँ से कि राजा का ये धर्म नहीं है कि वो अपनी प्रजा को सताए, राजा का ये धर्म वो अपनी प्रजा को सुख में शामिल करे और सुखी रखे। और श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, वो वापस नहीं आए, इसका मतलब प्रजा अर्थात गोपियां, प्रजा कौन है, गोपियां, गोपियां उनके विरह में व्यथित है। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न बने ये पाठ हमारा क्लियर है। और पूछा क्या गया है, किस प्रकार से पूछा गया है, पूछना क्या चाह रहा है प्रश्न, उसका सही सही उत्तर हम दे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत की विशेषता है कि सगुण का निर्गुण पर विजय दिखाई है, अलावा इसके उद्धव द्वारा यहाँ पर एक योग और ज्ञान का संदेश दिया, उसको गोपियों ने प्रेम पर विजय प्राप्त करवाई है, गोपियों के प्रेम की तन्मयता प्रकट हुई है, वियोग श्रृंगार की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, और गोपियों का अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है, सहज मानवीय प्रेम की पराकाष्ठा प्रकट हुई है, और गोपियां तर्कशील और वाक् चातुर्य में पारंगत हैं। ये कुछ भ्रमर गीत की विशेषताएं हैं। हम शुरू करते हैं अगला पाठ, तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास 1532-1623, और पाठ का शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जैसा कि आपको पता है कि ये प्रसंग लिया गया है उनकी रचना रामचरित मानस कहां से, बालकांड से। प्रसंग कहाँ का है, प्रसंग तब का है जब श्री राम जनक सभा में शिव धनुष का खंडित करते हैं, और शिव धनुष का खंडन करने के बाद उसकी टंकार तीनों लोकों में सुनाई देती है, तो
ऐसे में शिव के परम भक्त परशुराम को भी ये टंकार सुनाई दे देती है। और उसके बाद वे बरिसगा में राजा जनक के दरबार में आते हैं, और आते ही जब प्रश्न पूछते हैं कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा है, तो इसका उत्तर श्री राम देते हैं कि नाथ शंभु धनु बंदनिहारा होई के एक दास तुम्हारा। अर्थात यहाँ से प्रश्न अगर बनेगा कि परशुराम के इस कथन का उत्तर श्री राम ने दिया, उससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है, उससे उनकी विशेषता का पता चलता है उदारता, विनम्रता, सादगी और अपने से बड़ों के प्रति नम्रता का भाव, ये तमाम विशेषताएं पता चलती है। हो ही के वो एक दास श्री राम ने अपने आप को एक दास सेवक बताया है और उस संबंध में कहा है कि आपके संबंध में क्या आज्ञा है और आप हमें बताएं। ये सुनकर परशुराम क्रोधित होकर बोले, ईसाई यानी क्रोधित होकर बोले, और क्या बोले, सेव कुछ हो करे सेव का सेवक वो होते सेवा करे, ये आपने दुश्मनी का काम किया है। सुनो राम जी शिवधन तोड़ा, जिसने भी शिवधन तोड़ा है, सहस बाबू समी मोरा, सहस बाबू समान दुश्मन है, सो बिलगाओ अलग हो जाओ, यही समाज संपूर्ण समाज से नहते हैं, नहीं तो मारे जाएंगे सब राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लगन मुसाने, बीच में लक्ष्मण कूद पड़ते हैं। बोले परशुराम ने परशुराम की फर्से का अपमान करते हुए बोलते हैं, बहु धनु तोड़े लड़िकाई, लड़िकाई यानी बचपन, बचपन से लेकर आज तक हमने पता नहीं कितने धनुष तोड़ दिए, और कब हो न ऐसी ऋषि न उदाई ऋषि यानी क्रोध, ऐसा क्रोध किसी भी गोस्वामी अर्थात स्वामी ने प्रकट नहीं किया, यही धनु पर ममता की है तू, इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है, सर्वनामिक धनु विशेषण भी है, यही धनु इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है, सुनिए रसाई का बिल्कुल, अर्थात ये सुनकर क्रोधित होकर भृगुकुल केतु परशुराम बोलते हैं, अरे निरपालक, अरे राजा के राजकुमार, कालबस मृत्यु के हवाले बोलत बोल रहा है, तो ही नहीं इसी कारण संभल कर नहीं बोल रहा है, धनुष अर्थात इसको धनुष्या बता रहा है, त्रिपुरारी धनु और ये तीनों लोगों के स्वामी भगवान शिव का धनुष था, विदित जानता सकल संसार समस्त संसार, लखन कहा हसी अमरे जाना, लक्ष्मण का व्यंग प्रकट हुआ है यहाँ पर, व्यंग लक्ष्मण कहा, लखन कहा हसी अमरे जाना, हसी यानी हंसकर, सुना देव सब धनुष समाना, देव सुना कि सभी धनुष समान होते, का छतिलाभ जून धनु तोरे, कि छत यानी नुकसान, लाभ यानी लाभ, क्या तो इससे नुकसान हो गया, क्या इसे लाभ हो जाता है, जून यानी पुराना धनु यानी धनुष, पुराना धनुष था टूट गया, देखा राम नयन के बोरे, राम ने तो सोचा कि नया है, नए के इशारे से देखा, यहाँ पर अति संयुक्ति अलंकार की व्याप्ति है कि राम ने सोचा अर्थात बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया, छुवत टूट अर्थात यहाँ पर भी अति संयुक्ति अलंकार, छुवत टूट रघुपति ने दोषु, छुते टूट गया, श्री राम का कोई दोष नहीं है, मुनि बिन काज कति कर दोषु, ये मुनि बिना मतलब में कर, आप क्रोध प्रकट मत करो, बोले चित्ते परशु की ओरा, अर्थात यहाँ पर परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे सट अरे मूर्ख, सुने स्वभाव न मोरा, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, बाल को बोलो बुद्ध नेताई, बच्चा समझकर अब तक तेरे को मारा नहीं है, केवल मुनि दर जाने वही, केवल मुनि लोग मुझे जानते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोई विश्व क्षत्रिय, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मेरे जैसा विश्व विद्युत क्षत्रिय कुलद्रोही नहीं है। यहाँ से प्रश्न बनेगा, परशुराम ने अपनी क्या क्या विशेषता बताई है, प्रश्न बनेगा, उत्तर सही बनेगा तो ही नंबर दो आएंगे। परशुराम ने अपनी विशेषता बताते हुए कहा है कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और उस जैसा बाल ब्रह्मचारी कोई नहीं है, विश्व विदित, विश्व में पूरे विश्व में विख्यात है, किसके लिए, क्षत्रिय कुल की दुश्मनी के लिए, भुजबल भूमि भू बिन कुनु, ये विशेषता चल रही आगे कि मैंने मेरी भुजाओं के बल पर भूमि को बिना राजाओं के कई बार किया, विपुल बार, अनेक बार किया है, मई देव ने अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणों को मैंने दान में दे दिया है, सहस बाबू बुद्ध फिर नियरा, ये वही फरसा जिसकी सहस बाबू की हजारों भुजाओं को मैंने काट डाला था, परशु बिलो को महीप कुमारा, इस फरसे को देख लो महीप कुमारा, महीप कुमार कौन है, लक्ष्मण, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। महात पिता ने सोच बस कर से महेश किशोर गर्भना के पिता मोरति घोर, परशुराम ने अपने फरसे की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि माता पिता ने सोच बस कर से महेश किशोर अपने संतानों को माता पिता भी जब डराते हैं तो क्या कि परशुराम का फरसा खा जाएगा, काट डालेगा आपको, और तो किशोरावस्था के जो बच्चे हैं वो भी बदमाशी नहीं करते हैं और गर्भ में पल रही संतानें भी परशुराम के इस फरसे के इस भयंकर नाद से या इसके की गर्जना से क्या है, गर्भ में पल रही संतानें प्रभावित हो जाती है। बिहसी लखन बोले मर्दवानी, लक्ष्मण का क्या रुक जाए, लक्ष्मण का व्यंग तो चालू है, बिहसी एक बार पुनः गर्भ में हंसते हुए लखन बोले, लक्ष्मण बोले मर्दवानी मीठी वचनों से, ओहो मुनिषी महाबटवानी, कि मुनि आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं, यहाँ लक्ष्मण का एक बार फिर से व्यंग हुआ है, मुनिषी अर्थात वो व्यंग में ये बात कर रहे हैं, पुनी पुनी मोई देखा कुठारो, बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो, चतुर्ण फूकी पारू, आप फूंक से ही पारवा देना चाहते हैं, यहाँ कुमरपति को नहीं, छुई मुई के कोई पौधे नहीं है, छुई मुई के पुष्प नहीं है, कोमल पुष्प नहीं है, जे तर्जनी अंगुली देख कर डर जाए, देखे कुठारू शासन बना, आपके कुठारू को फरसे को देखा, बाण को देखा और धनुष को देखा, धनुष बाण को देखा, मैं कुछ कहा सहित माना, अभी मैंने आपको कुछ अभिमान सहित कहा नहीं और कह भी रहा है, कहा नहीं है, ये मुझसे कह रहा है और कहता भाई कहने में कोई कमी छोड़ रहे हैं, भृगु सुत समझो जिन्हें बोलो कि अर्थात भृगु की संतान समझकर मैंने अब तक कुछ किया नहीं है, जो कुछ कहूँ उसी रोकी मैंने मेरा क्रोध रोक रखा है।
अब यहां से प्रश्न बनेगा कि लक्ष्मण ने अपने कुल की क्या क्या विशेषता बताई है। लक्ष्मण ने अपने कुल की विशेषता बताते हुए कहा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में, जो कि रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। लक्ष्मण कहते हैं कि सूर यानी देवता, महेश्वर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी ईश्वर भक्त और गाय यानी हम, इन चारों पर कभी भी वीरता प्रकट नहीं करते हैं। अगर अगर वीरता प्रकट क्यों नहीं करते हैं का प्रश्न बने तो उत्तर यह बनेगा, बंदे पाप व अपकीर्ति हारे, कि हमें पाप लगता है जब हम इनको जो जीत जाते हैं तो हम पाप के भागी होते हैं, और अगर ये हमें जीत जाते हैं तो हमारा अपयश होता है, बदनामी होते हैं, मारा तो पापरी है तुम्हारे, इस कारण हम इन पर कभी भी वीरता प्रकट नहीं करते। कोटि कुले समाचन तुम्हारा व्यर्थ दुर्योधन मान उठा रहा। प्रश्न बन रहा है यहाँ से, लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों की तुलना किससे की है और क्यों? लक्ष्मण ने परशुराम के वचन की तुलना करोड़ों वज्र के समान की है, अर्थात इनके वचन ऐसे हैं कि कोई सुनकर ही मर जाए। व्यर्थ दरु बिना मतलब में आप बाण और कुठार को धर रहे हैं। इतनी बात कहकर भी लक्ष्मण कहते हैं कि जो भी लोग अनुचित कहे हुए, अगर आपको लगता है कि मैंने अनुचित अनुचित कहा है तो अब मुझे आप क्षमा करें। कौशिक प्रश्न मर सकता है, कौशिक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कौशिक विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। कौशिक सुनो मंदिर बाल को विश्वामित्र से कहते हैं कि ये बालक बोल मूर्ख है, कुटिल, बहुत अनुशासनहीन है, कालबश मृत्यु के हवाले, निज कुल काल को अपने कुल का नाश करवाएगा, भानुवश राकेश कलंक को निपटने। अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ से कि परशुराम ने लक्ष्मण की किन किन विशेषताओं पर प्रकाश डाला था, कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं? निपट एकदम, निरंकुशु निरंकुश है, अबुद्धु मूर्ख है, अशंकु अनुशासनहीन है, ये विशेषताएं। और क्या बताई हैं? कि सूर्य वंश का ये चंद्रमा की तरह कलंक है, कौन? लक्ष्मण। काल कबलु होई छन्माई, ये तुरंत और एक पल में ही काल के हवाले हो जाएगा। कहो पुकारी मैं पुकार के कह रहा हूँ, खोरी मुझे नहीं, खोरी यानी दोष मुझे, फिर दोष मत देना, तुम्हें हटको जो चाहूँ बारा, तुम्हारे कारण मैंने इसको बार रखा था, कहीं प्रताप बलो सो तुम्हारा, अन्यथा आप मेरे प्रताप को, बल को, रोष को, गुस्से को, क्रोध को, सबको जानते हो। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, लक्ष्मण का व्यंग फिर शुरू हो जाता है कि आपके यश को कौन नहीं जानता, तुम्हें अच्छत को बढ़ने पा रहा, तुम्हें तो बता रहे हो अपने मुँह तुम आपने करनी, अपने मुँह से आपने बहुत बड़ाई कर ली, बार अनेक अनेक बार कर ली, बाती अनेक तरीके से कर ली, बहु बननी नहीं संतोष, अभी संतोष नहीं है तो क्या करे, पुनी कुछ कहूँ और कुछ कह दो। जनि रिस रोकी दुसव दुख सहु, ये क्रोध रोक कर आप असहनीय दुख सहन मत करो, वीरवर्ती तुम्हें धीरज शोभा, तुम बहुत बड़ी वीरवर्ती हो, तुम्हें धैर्य शोभा नहीं देता है, गाली देते ना पवन शोभा, ये भी व्यंग है, गाली देते हुए तुम्हें शोभा नहीं देता है। लक्ष्मण कहते हैं, अच्छा प्रश्न है यहाँ से कि लक्ष्मण ने योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है, योद्धा की विशेषताएं क्या बताई है? लक्ष्मण कहते हैं, सूर समर करने करने को विद्यमान रण पाई रेतु कार्य करते प्रताप के, सूर है अर्थात जो योद्धा है वो युद्ध भूमि में मात्र युद्ध करता है, वो अपने आप की सूर्य की प्रशंसा कभी नहीं करते हैं। युद्ध भूमि में जो सैनिक अर्थात दुश्मन सैनिक है वो उनके सूर्य की प्रशंसा करते हैं, तो मानना चाहिए कि आप योद्धा हैं, अन्यथा आप किसी प्रकार के योद्धा नहीं, आप सूर्यवीर नहीं है। तुम्हें तो काल को जान लवा, तुम तो बार बार मेरे लिए यम को बुला रहे हो, काल को बुला रहे हो, बार बार मोहे लागी बुलाओ, बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। सुनो लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशु सुधारे दरे होकर गोरा, परशुराम ने अपने परसे उतारा, अब जने दे दोष मोहि लोगु, अब कोई भी मुझे दोष देगा कटुवादी, कटुवा बोलने वाला ये बालक, पद जोगु मरने योग्य है, बाल बिलो की बहुत बच्चा बचा समझ कर इसको मैंने बहुत बचाया, अब ये मरने हार बार सचा, अब ये मरने योग्य। कौशिक कहा विश्वामित्र कहते हैं, क्षमी अपराधु, बालक के अपराध को क्षमा कर दो, बाल दोष गुणगने ने साधु। अच्छा प्रश्न मर सकता है कि कौशिक ने साधु की क्या विशेषता बताई है? कौशिक कौन? विश्वामित्र। विश्वामित्र ने साधु की क्या विशेषता बताई है? तो विश्वामित्र ने साधु की विशेषता बताते हुए कहा है कि साधु लोग बालकों के दोष पर ध्यान नहीं देते हैं और वे मात्र गुणों पर ध्यान देते हैं। खर कुठार में अकुरन कोई, परशुराम का वचन है ये कि मैंने और तलवार और फरसा और बाण ये बिना मतलब धारण नहीं कर रखे, आगे अपराधी गुरुद्रोही, अगर मैं इसको नहीं मारता हूँ तो मैं गुरुद्रोही कहलाऊंगा, उत्तर देर छोड़ बिना मारे, अगर मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल कौशिकशील तुम्हारे यानी विश्वामित्र जी आपके अच्छे चरित्र के कारण मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो यहीं पर काटी काट डालता, कुठार कठोरे इस कठोर फरसे से काट डालता, गुरही उऋण होतो समथोरे, और थोड़े से प्रयास में गुरु ऋण से उऋण हो जाता। गादी सुनू पर इस शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विश्वामित्र के लिए। गादी सुनू अर्थात विश्वामित्र कह रहे थे अपने मन ही मन में, कहते हैं हंसी हंसकर, मुनि हरिये सुध मुनि को हरा हरा दिख रहा है, अय मैं खान उख में उजव न बूझ बूझ, कि इनके सामने जो योद्धा है वो कोई गन्ने से बनी खांड नहीं है बल्कि और लोहे से बना खांडा है था तलवार है, और ये बात वो जानबूझ कर जानते हुए भी नहीं, अर्थात अजम न बूझ अबूझ का मतलब है जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं इस बात से। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, तुम्हारे शील को कौन ने जानता, कौन ने जान संतारा।
अर्थात पूरा संसार जानता कि आप कितने बड़े चरित्रवान हैं। माता पिता ऋण बे नीचे, माता पिता ऋण तो आपने चुका दिया, गुरु ने चुकाने की सोच रहे हो, सोचो हमने माथा काटा, गुरु ने हमारे माथे काट रहे हो, दिन चले गए ब्याज बढ़वाटा। अगर एक काम करो, आप इस गुरु ऋण को ब्याज से ही चुकाओ। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत किसी हिसाब किताब करने वाले को बुलाओ, तुरंत देव मैं थैली खोलू, तुरंत मैं आपका हिसाब किताब पूर्ण करता हूँ। सुनी कटु वचन कठार सुतारा, इतने कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने अपने फट से उतारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, पूरी सभा हाय हाय करने लगी, रुको 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 अनर्थ हो जाएगा। भर्गोवर करसु देख भाई मोई विप्र बिचारी बचोदन दोई, मिले न कबू सुवटन गाड़े, दिवस देवता घरे के बाड़े, अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सेने लखने वारे। अर्थात अब श्री राम को भी पता लग गया है कि लक्ष्मण ज्यादा ही अनुचित बोल गया है कि मैं तुरंत हिसाब किताब करने वाले को बुलाता हूँ और मैं आपका हिसाब करता हूँ, ये थोड़ा गलत लक्ष्मण ने बोला है, ऐसा श्री राम को लगा है। और साथ ही साथ ये लाइन बहुत गलत लगी है कि आप घर के ही शेर हो, आप कुछ नहीं कर सकते, अच्छे योद्धा आसानी से नहीं मिलते हैं, ये लाइन भी पूरी प्रजा को चुभ गई। तो सब लोगों ने कहा कि अनुचित कई सब लोग पुकारे, अनुचित है अनुचित है। श्री राम ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण को रोका, लक्ष्मण के उत्तर जो आग के समान थे और परशुराम के वचन ज्वालामुखी के समान थे, इनको बढ़त देकर श्री राम ने जल सम वचन बोले, अर्थात इस लड़ाई का, इस वाक युद्ध का अंत विनम्रता के साथ किया। तो यह है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास के रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। और यहाँ पर लक्ष्मण और परशुराम का वाक युद्ध प्रकट हुआ है, और लक्ष्मण के व्यंग वचन है, परशुराम के क्रोध भरे वचन है, और रौद्र रस वीर रस की व्याप्ति हुई है। यह आप इस किस में ले सकते हैं, काव्य सुंदरी में ले सकते हैं। अलावा इसके ब्रज में अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, छंद है चौपाई और दोहा सोरठा छंदों का प्रयोग हुआ है, और शुद्ध अवधि भाषा ही है। अलावा इसके व्यंग्योक्ति प्रकट हुई है, अलावा इसके अनुप्रास अलंकार की भी व्याप्ति हुई है, और उपमा अलंकार भी व्यक्त हुआ है, पुनरुक्ति प्रकाश भी व्यक्त हुआ है। और अलावा इसके हम ये कह सकते हैं कि श्री राम की विनम्रता बहुत अच्छी तरीके से यहाँ व्यक्त हुई है। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न बन सकते हैं, जैसे प्रश्न बन सकता है सभा में परशुराम ने अपने विषय में क्या क्या कहा, मैंने बता दिया। गादी सुनो किसे कहा गया है, बता दिया। श्री राम लक्ष्मण को नैनों के संकोच चुप रहने के लिए क्यों कहा, क्योंकि लक्ष्मण कुछ अनुचित ज्यादा ही बोल गया था, और श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं, मर्यादा जहां जहां टूटती है वहां श्री राम का बोलना आवश्यक हो जाता है, इस कारण मर्यादा को बनाए रखने के लिए श्री राम ने लक्ष्मण को बैठा दिया। और अलावा इसके जो प्रश्न है वो ये ऐसे बनेंगे कि ये पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है, किसको कही गई है और किस प्रकार से कही गई है। उसके बाद देव हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, जयशंकर प्रसाद हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, और अब हम चर्चा करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह की। देखिए पहला प्रश्न है कि उत्साह किस प्रकार की कविता है, उत्तर यहाँ है उत्साह का आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित है, और बादल निराला का प्रिय विषय रहा है, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है। और यहाँ बादलों को संबोधित है आह्वान गीत कैसे है, किस पर आह्वान है, अगला प्रश्न, आह्वान किसको किया गया है, जिन लोगों का शोषण हो रहा है, जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, जो वंचित हैं, जो अभावग्रस्त हैं, उनको कवि का आह्वान है क्या, कि बादल गरजो। प्रश्न है कि कवि बादलों को गरजने लेके और कह रहा है, क्योंकि गरजना प्रतीक किसका है, क्रांति का, और कवि क्रांति का इच्छुक क्यों है, सबसे बड़ी बात यह प्रश्न बन सकता है कि उत्साह कविता में कवि क्रांति का इच्छुक है, क्रांति के बल पर कवि क्या साबित करना चाहता है। आपका उत्तर होगा कि क्रांति के माध्यम से कवि समाज के उपेक्षित वंचित अभावग्रस्त लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहता है। और इतिहास गवाह है कि जब जब किसी भी देश में विकास हुआ है, देश की प्रजा जगी है, देश विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, तब तब उसका मार्ग क्रांति से होकर निकलता है। क्रांति का मतलब कोई विनाश नहीं है यहाँ पर, क्रांति का मतलब है कि हमें वास्तविकता को जानकर आगे बढ़ना है। इसी कारण कवि कह रहा है बादल गरजो, वो ये भी कह सकता बरसो, मगर वो गरजने में विश्वास करवाता है, क्योंकि गरजना क्रांति का प्रतीक है। घेर घेर घोर गगन कह गए क्या वर्ती अनुप्रास अलंकार, धरा धरो बादलो चारों ओर से अज्ञात दिशाओं से गिदित रहो, बादलों की क्या क्या विशेषताएं बताई है, अगला प्रश्न बनेगा। उत्साह कविता में कवि ने बादलों की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि ललित ललित वो काफी सुंदर हैं, काले हैं, गुंगराले हैं, ये विशेषताएं। बाल कल्पना किसे पाले, अगला प्रश्न, कवि ने बादलों की तुलना किससे की है, बालकों की कल्पना से की है, क्यों की है, क्यों, अगला प्रश्न बन सकता है, तुलना की किससे और क्यों की है,
बाल कल्पना इसलिए किए गए क्योंकि बालकों की कल्पना का कोई अंत नहीं होता, उसी प्रकार बादलों की गरजने का, बादलों के बरसने का कोई भी अंत नहीं होता, वे अनंत तक बरस सकते हैं। अगली बात, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, कवि ने बादलों की तुलना किससे की है? कवि जीवन से की है। किससे की है? कवि जीवन से की है। क्यों की है? क्योंकि जिस प्रकार कवि एक अपनी नई रचना के माध्यम से समाज में जागृति का संदेश लेकर आता है, समाज में नव सृजन करता है, नव निर्माण करता है, वैसे ही बादल भी क्या करते हैं? नवजीवन। यहाँ नवजीवन में श्लेष अलंकार की व्याप्ति भी अपन मान सकते हैं, अर्थात इसके दो अर्थ है, नवजीवन के नया जीवन अर्थात नया जल और नवजीवन नया जीवन। तो कवि के संदर्भ में नवजीवन अर्थात नया जीवन, बादल के संदर्भ में नवजीवन नया जल प्रदान करते हैं, और वे दोनों ही कवि और बादल दोनों ही अपने हृदय में विद्युत रूपी छवि को छिपा के रखते हैं। वज्र छिपा अर्थात वज्र यानी कठोरता को छिपा लेते हैं और नूतन कविता फिर भर दो, जिस प्रकार कवि नूतन कविता भर देता है और बादल नया जल धरा पर ले आते हैं तो समृद्धि खुशहाली मिलती है। फिर भर दो बादल गरजो गर्जना क्रांति का प्रतीक। और जब बादल नहीं गरजते थे, नहीं बरसते तो क्या था? प्रश्न ये भी बन सकता है कि बादल नहीं गरजेंगे तो क्या होगा? तब क्या होगा? विकल विकल उन्मन थे, उन्मन व्याकुल है, बेचैन है, उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा है, उन्मन है अर्थात मन नहीं लगना। विश्व के निदा के सकल जन, आप विश्व रूपी गर्मी का हरण करने वाले हैं, आप अज्ञात दिशा से आते हैं, आप अनंत के घन हैं, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, अर्थात ये धरती तप रही है, इसको पुनः आप शीतलता प्रदान कर दो, बादल गरजो। तो यहाँ पर कवि बादलों को गरजने का आह्वान करता है, क्रांति का प्रतीक है, और समाज के मजदूर वर्ग को वंचित वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना चाहता है जिनका शोषण हो रहा है। इस कारण ये इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा है, जो कि एक आह्वान गीत है, और कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है, और कविता में ललित कल्पना और क्रांति की चेतना दोनों है। अलावा इसकी सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्यिक भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। काव्य सौंदर्य की जहां तक बात करें, यहाँ लिखे हुए हैं आपके समक्ष संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, काले गंगाले में मानविक अलंकार है, बाल कल्पना में उपमा अलंकार है, घेर घेर में अनुप्रास अलंकार है, कविता में संगीतात्मकता है, संबोधनात्मक शैली है, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग है, आह्वान गीत है, और प्रतीकात्मक शैली है। प्रतीकात्मक कैसे? जैसे गजने का प्रतीकत क्या है? क्रांति। नाद सौंदर्य अर्थात आवाज, ध्वनि प्रकट हुई है, ध्वनिवाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है यहाँ पर कविता में, मुक्तक छंद में लिखी है, और बादलों को कवि रूप में दर्शाने का मानवीकरण कवि ने प्रकट किया है। अट नहीं रही है फाल्गुन के सौंदर्य प्रिय कविता, वर्तमान समय में फाल्गुन महीना चल रहा है, खेतों में आप देख सकते हैं किस प्रकार की खुशहाली है, और सरसों पर पीले पीले फूल आए हुए हैं, अलावा इसके हर फसल है वो लहला रही है, और वातावरण सौरभ से युक्त है, वसंत ऋतु का चरम सौंदर्य चल रहा है। इन सभी बातों की तुलना की है, अट नहीं रही है अर्थात शोभा सीमित नहीं हो रही है, आपा फागुन की तरह फागुन के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया है, अर्थात प्रश्न ये बन सकता है कि फागुन की किस चीज का वर्णन किया है? शारीरिक सुंदरता का वर्णन किया है। सट नहीं रही है, सीमित नहीं हो रही है, जहां आप सांस लेते हैं, कहीं पर भी खड़े होकर सांस लेते हैं, गरगर भर देते हो, खुशहाली से गरगर भरा हुआ है, उड़ने को नम्य तुम प्रपर कर देते हो, आसमान में पक्षी पक्षी नजर आते हैं, आंख हटाता हूं, हट नहीं रही है फागुन के सौंदर्य से, आंख हट नहीं रही है। पत्थर सदी डाल, आप क्या देख रहे हैं अपने आसपास? अपने आसपास घर से बाहर निकलेंगे तो क्या देखेंगे? हर डाली है वो पत्थर सदी हुई है, कहीं हरी डाली है, कहीं लाल डाली है, कहीं पड़ी है उर्मे, फागुन के हृदय में क्या पड़ा है? मंद गंध पुष्पमाल। बाग में जाएंगे, खेतों में जाएंगे तो आप मंद मंद धीमी धीमी खुशबू पाएंगे फूलों की, और पाट पाट शोभा श्री, स्थान स्थान हर स्थान, पाट पाट का मतलब हर स्थान शोभा श्री सुंदरता से युक्त है, ओतप्रोत है, पट नहीं है, ये शोभा समाहित नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही है। इस प्रकार कवि ने अटनरी कविता में फागुन मास के सौंदर्य का वर्णन किया है। हम ये भी कह सकते हैं कि वसंत ऋतु के चरम सौंदर्य का वर्णन किया है। अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में फाल्गुन का महीना सबसे सुंदर माना गया है, और सुंदर महीने को कवि ने अपनी कविता के माध्यम से पिरोया है। काव्य सौंदर्य की जहां तक हम चर्चा करें तो कविता में प्राकृतिक प्रकृति का सजीव सौंदर्य हुआ है, श्रृंगार रस की व्याप्ति है, माधुर्य गुण है, कोमल कांत पदावली का प्रयोग हुआ है, भाषा भावों के अनुकूल है, और कविता पर छायावादी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। निराला छायावाद कवि है, छोटे छोटे वाक्यों में दलित कविता का सौंदर्य अत्यंत दर्शनीय है। चलते हैं नागार्जुन के पास। कविता का नाम है यह दंतरित मुस्कान। नागार्जुन की कविता की प्रमुख विशेषता इस कविता की यह है कि यह कविता बिंब प्रधान है। बिंब का मतलब होता है इमेज, चित्र, चित्रात्मक, अर्थात जैसे जैसे इस कविता को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे दिमाग में कुछ बिंब बनेंगे, इमेज बनती जाएंगी, तो ये बिंब प्रधान कविता है। और कवि ने बच्चे की मुस्कान की तुलना करते हुए क्या क्या कहा है, इनकी हम चर्चा करेंगे। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, अतिशयोक्ति अलंकार,
अर्थात इस मुस्कान की तुलना किससे की गई है, मुस्कान के बारे में, मुस्कान की विशेषता के बारे में बताया है कि ये मर्तक में डाल जान डाल के दोले दुष्ट तुम्हारे गा दोर से सने तुम्हारा है शरीर, दोले दुष्ट अनुप्रास अलंकार, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल जलजात, जैसे मेरी झोपड़ी में जलजात खिल रहा हो, कमल के फूल खिल रहे हो, रूपक अलंकार, प्रश पाकर तुम्हारा ही प्राण, प्रश पाकर अनुप्रास अलंकार, तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारा ही स्पर्श पाकर पिघलकर जलमन गया प्रति पाषाण। कवि ने कहा है कि तुम्हारी इस जंतु की मुस्कान को कोई पल भर के लिए भी देख ले तो क्या होगा, तो कठोर जल सॉरी कठोर पत्थर भी पिघलकर जल बन जाएगा, कठोर पाषाण यानी बहुत कठोर चट्टान भी क्या बन जाएगी, जल बन जाएगी। उत्प्रेक्ष अलंकार की व्याप्ति हुई है। छू गया तुमसे के झंडे लगे शेफाली का एक फूल, दंतु तो मुस्कान को देखने के बाद क्या क्या हुआ, प्रश्न आगे बढ़ रहा है। शेफाली का फूल जैसे झंडे लग गए हों, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, अर्थात बांस के फूल या बबूल के फूल या दूसरा अर्थ है कि मैं आपका रक्षक हूँ या मैं आपका ऐतेसी हूँ, तुम मुझे पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे अनिमेश, अनिमेश यानी एक टक देखना, पलकों को बिना झपकाए देखना। कभी बच्चे प्रश्न बन रहा है ऐसे कि कभी बच्चे को अनिमेश क्यों देख रहा है, कभी बच्चे को अनिमेश इसलिए देख रहा है क्योंकि कभी वो लंबे समय तक घर से बाहर रहता है, एक प्रवासी की तरह आते हैं कभी, और कभी जब पहली बार अपने घर पर आए तो बच्चे के तंत्र की मुस्कान को देखा, तो बच्चा और कभी में अनजान का जो रिश्ता था, अर्थात कवि तो जानता है कि वो मेरा पुत्र है लेकिन बच्चा नहीं जानता कि ये कौन है, इस कारण वो लगातार उनको देख रहे हैं। थक गए वो आंख लो मैं फिर क्या वाई दिवस के प्रश्न है पहली बार, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि या काव्य सुंदर का प्रश्न बन सकता है कि आप लिख सकते हैं कि एकात्मक या एकल संवाद योजना प्रकट हुई है और प्रश्नात्मक शैली है, देखो सभी प्रश्न है प्रश्नात्मक शैली है पहली बात। दूसरी बात एकल संवाद योजना है, बात कौन कर रहा है, मात्र कवि कर रहा है, क्या कर रहा है, थक गए हो आंख लू मैं फिर आंख फेर लू, क्या वायु दिवस के अंदर परिचित पहली बार, अर्थात अगर हम आज पहली बार में एक दूसरे को नहीं जान पाए तो क्या हुआ, यदि तुम्हारी मां ने माध्यम बनी होती आज मैं न सकता देख मैं न पता दान, अर्थात कवि ने बच्चे की माँ के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट किया कि अगर वो माध्यम नहीं बनी होती तो मैं न आज तुम्हारी दंतित मुस्कान को देख सकता था, न मैं तुझे देख सकता था, न मैं तुझे जान पाता, तुम्हारी दंतित मुस्कान बड़ी ही धन्य है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। कवि ने दंतित मुस्कान को और बच्चे को दोनों को धन्य बताया। चिर प्रवासी है मत लंबे समय तक घर से बाहर रहता हूँ, मैं इतर अर्थात मैं तो दूसरा हूँ, मैं ने इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, प्रश्न बन सकता है कवि ने अपने आप को अतिथि क्यों बताया, उत्तर वही है कि कवि चिर प्रवासी है और बहुत लंबे समय तक बाहर रहता है। गुलिया माँ की कराती रही मधुपरक, मधुपरक पांच प्रकार के और अनाज से मिलकर मधुपरक बनता है, अर्थ इधर दे रखा है आराम से पढ़ लेना मधुपरक क्या है। उसके बाद देखते तुम इधर कनखी मार होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतयुक्त मुस्कान मुझे लगती बड़ी स्वाभिमान। और प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि दंतयुक्त मुस्कान में चार चांद कब लगते हैं, दंतयुक्त मुस्कान ज्यादा सुंदर कब लगती है, और कभी बच्चे बच्चा है वो कवि की तरफ कनखी मार के क्यों देख रहा है, क्योंकि बच्चा डरावा है और बच्चा कवि को समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया, और जब कवि और बच्चे की आंखें आपस में मिल जाती हैं तब वो दंतित मुस्कान लगती बड़ी स्वाभिमान अत्यंत सुंदर लगती है। इस प्रकार के कुछ प्रश्न बन सकते हैं, कोई भी कठिन प्रश्न नहीं है, एकदम आसान से समझ में आना प्रश्न है, सिर्फ प्रश्न को समझने की जरूरत है, समझ में नहीं आए तो एक बार आप पुनः किसी भी प्रकार से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और 29 फरवरी आपके इतिहास का वो दिन बने कि 100 में से 100 हमारे सॉल्यूशन थे और एग्जाम हॉल में किसी प्रकार की समस्या नहीं थी, और एग्जाम हॉल में किसी प्रकार की समस्या न होना आपको मोटिवेट करेगा अच्छी तरह से लिखने के लिए, अच्छी तरह से इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए। तो समस्या लेकर एग्जाम हॉल में हमें नहीं बैठना है और सॉल्यूशन के साथ बैठना है। इसी पर हम चर्चा करते हैं पसल कविता की। देखिए पसल कविता के संदर्भ में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा पसल कविता क्या रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। अगर नव निर्माण करना है, अगर कुछ विकास करना है तो इसके लिए प्रकृति और मनुष्य दोनों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट लाने वाली ये कविता व्यक्त हुई। उपभोक्ता संस्कृति अर्थात हम जहाँ ये सोचते हैं कि पूरा सामान दुकानों पर मिलता है, बड़े बड़े मॉल में मिलता है, चावल चीनी और गेहूँ, ये उपभोक्ता संस्कृति है कि दुकान तक सीमित हो गए फल, हमें ये कहाँ ले जाएगी, हमें ये कृषि संस्कृति के पास ले जाएगी कि इस दुकान पर चावल आया कहाँ से, गेहूँ आया कहाँ से, चाय आई कहाँ से, चीनी आई कहाँ से, गुड़ आया कहाँ से, ये कहाँ ले जाएगा, ये आता कहाँ से, ये यहाँ से आता है। तो ये कविता हमें यहाँ से उठाकर यहाँ जोड़ती है कि
किसान से जोड़ती है, कृषि से जोड़ती है, प्रकृति से जोड़ती है, प्रकृति की सुंदरता से जोड़ती है। ये बस बात महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं है। इसी कारण कवि क्या कह रहा है, एक के नहीं, दो के नहीं, 150 नदियों के पानों का जादू। नंबर एक फसल क्या है, नदियों के पानी का जादू, नदियों का पानी है फसल। नंबर दो, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा, करोड़ों किसानों की मेहनत है फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म, मिट्टी का गुण धर्म है फसल। फसल क्या है, अब कविता को जिक्र कर दिया, और तो कुछ नहीं हुआ है। नंबर एक, नदियों के पानी का जादू। नंबर दो, हाथों के स्पर्श की महिमा। नंबर तीन, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म। नंबर चार, सूर्य की किरणों का रूपांतरण। नंबर पांच, सिमटा व संकोच हवा के थिरकन का, अर्थात इन सब से मिलकर फसल बनती है। कविता वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखाती है, अर्थात विज्ञान कहता है कि किसी भी पौधे को, किसी भी व्यक्ति को वृद्धि करने के लिए, बढ़ने के लिए जरूरत किसकी होती है, पंच तत्वों की जरूरत होती है, अर्थात उसको सूर्य का प्रकाश चाहिए, उसको हवा चाहिए, उसको जल चाहिए, और अलावा इसके उसको मिट्टी चाहिए। ये सभी पंच तत्व हैं, तो ये सभी फसल है। गिरिजा कुमार माथुर की चर्चा करते हैं हम, और गिरिजा कुमार माथुर की कविता का आपको पता ही है, छाया मत छूना। देखिए ये तीन लाइनें हैं, ये पूरी कविता की समरी को आपके समक्ष रखती हैं। हालांकि पूरी ऊपर से भी अपने स्टार्ट करें तो बहुत हमें अच्छा संदेश मिलता है। कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख की गहरी उपस्थिति है। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को गहरा करना तर्क संगत नहीं है। कवि क्या कहता है कि भूतकाल के सुख को याद मत करो। क्यों क्यों मत याद करो, क्योंकि वर्तमान का दुख गहरा हो जाएगा, और ये क्या नहीं है, अच्छी बात नहीं है, तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। प्रश्न बन रहा है यहाँ पर भी कि हमें विगत के सुख को याद क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दुख दुगुना होता है, और विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए जीवन है क्या, विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहना ये काम नहीं करना है, इसको छोड़ना है। वर्तमान से पलायन की अपेक्षा, आप पहले अमीर थे, हर प्रकार की विलासित जीवन में जीते थे, लेकिन वर्तमान में आपकी हालत बहुत खराब है। अगर आप इस हालत से भागना चाह रहे हैं तो गलत है। इस हालत का सामना करो, वर्तमान का सामना करो, इसे क्या मत करो, पलायन मत करो। कठिन यथार्थ से रूबरू होना, अर्थात वर्तमान में आप इस वास्तविकता से अपने आप को परिचित जरूर करें। अगर आप बहुत ज्यादा नुकसान में हैं, बहुत ज्यादा आप दुख में हैं, तो अपने आप को दुखी व्यक्ति माने, अपने आप को आप नुकसान में रहें, आप इससे सुखद कल्पना के पास नहीं रहना। आपको आपके जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए कि मैं, मेरी जो हालत है उसका जिम्मेदार स्वयं हूं, और मैं इस हालत को तब्दील करने में, मैं इस हालत को और अच्छे में बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी होनी चाहिए। कविता, अतीत की स्मृतियों को भूल, अर्थात भूतकाल की यादों को भूलकर वर्तमान का सामना करने का संदेश देती है, और भविष्य को अच्छा बनाने की ओर अग्रसर करती है। कविता हमें यह भी बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर भागना है। यथार्थ को, अर्थात जीत अंत में किसकी होती है, सत्य की। सत्य को छोड़कर, यथार्थ को छोड़कर, वास्तविकता को छोड़कर, कटु सत्य को छोड़कर, अगर आप मात्र आडंबर दिखाओं से, छायाओं से भ्रमित रहकर जीवन को जीते हैं, तो ये जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर भागने के समान है। कविता में रोमानी भावबोध के व्यक्ति देखा जा सकती है। अब रोमानी भावबोध कहाँ है, रोमानी भावबोध का मतलब है कवि का रोमानी दृष्टिकोण कहाँ व्यक्त हुआ, ये रहा। तन सुगंध सी असरी बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूले सी एक सुवन बनता जीवित रक्षण, ये रोमानी भाव व्यक्त हुआ है। और रोमानी भाव कवि का थोड़ा बहुत व्यक्त हुआ है यहाँ पर, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो कविता बार बार हमारी समझी हुई है, और कविता में कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। छाया मत छूना, छाया का प्रतीक अर्थ क्या है, छाया का प्रतीक अर्थ है अतीत की सुखद स्मृतियां।
मत सुना मतलब इन्हें याद नहीं करना है। क्यों याद नहीं करना है? जीवन में दुख ज्यादा होगा इसलिए ये तर्क संगत नहीं है। मन होगा दुख दुना जीवन में सुरंग सुदिया स्वामी, हर व्यक्ति के जीवन में सुरंग सुदिया स्वामी होती है। छवि चित्र गंधी फल मन भावनी, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जो मन भावन होते हैं। तन सुगंध से असरी बीत गई यामिनी, कवि ने अपनी प्रिया का उल्लेख किया है कि वो शारीरिक सुगंध अब मात्र मेरे पास बची है। बीत गई यामिनी, यामिनी यानी चांद तारों भरी रात, यामिनी का अर्थ है तारों भरी रात। फूलतल के फूलों की याद मैंने चांदनी, कुंतले ने लंबे केस, लंबे केसों के उन फूलों की यादें मेरे पास से बची हैं। भूली सी एक छुअन बनता जीव से, अगर भूल से भी वो प्रिया, वो चांदनी रात, वो तन सुगंध, वो कुंतल के फूलों की बात याद रहती है तो हर पल रोमांच से ग्रसित हो जाता है, रोमांटिक हो जाता है, जीवित क्षण बन जाता है। इसलिए कवि क्या कहता है, मैं भूल से भी छाया मत छूटना, अर्थात अतीत की सुख स्मृति याद मत करना, मन क्या होगा, दुगुना दुखी होगा। कवि ने सांसारिक लोगों को क्या संदेश दिया है, प्रश्न बन सकता है, सांसारिकता का क्या संदेश दिया है? यश बड़ाई, यश है या न वैभव धन दौलत, मान है न सरमाया, आपका कोई मान नहीं है, सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, सरमाया पूंजी नहीं है। जितना ही दौड़ा, दौड़ने का प्रतीकर्थ क्या है, दौड़ने का प्रतीकर्थ है सांसारिक तृष्णाएं, सांसारिक इच्छाओं के पीछे आप जितने ही दौड़े उतने ही आपका जीवन भ्रमित होता गया, जीवन वास्तविकता से दूर होता गया। प्रभुता का शरण भूमि केवल मृग तृष्णा है। देखो मृग तृष्णा शब्द है तो मृग की प्यास, रेगिस्तान फला दिखर, ये नहीं लिखना आपको, आपको लिखना क्या है, मृग तृष्णा क्या है। कवि ने प्रभुता के शरण बिंब को मृग तृष्णा कहा है। जिस प्रकार मृग की प्यास कभी शांत नहीं होती, वैसे ही कोई भी मनुष्य अगर ये चाहे कि मैं बड़प्पन हो जाऊं, महान हो जाऊं, कोई भी मनुष्य महान नहीं बन सकता। ये केवल और केवल क्या है, मृग तृष्णा है, एक ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं हो सकती महान बनने की। हर चंद्रिका में छिपी एक रात तृष्णा है, हर चांदनी रात में एक काली रात छिपी हुई है, हर काली रात में एक चांदनी रात छिपी हुई है। जो है यथार्थ, जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसका आप पूजन करो, अर्थात आप दिखावे के जीवन से दूर आकर वास्तविकता का जीवन जीवो। मगर क्या मत करो, छाया मत छुओ, क्यों क्या क्यों नहीं छूना है, क्योंकि इसे मन दुखी होगा। दुविधा साहस दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। हर व्यक्ति दुविधा अथ है, अर्थात अपनी दुविधाओं में घिरा हुआ है और उसमें साहस तो है मगर उसको कोई मार्ग नजर नहीं आता है निकलने का। और व्यक्ति हर व्यक्ति शारीरिक रूप से चाहे सुखी हो पर किसी के भी मन के दुख का कोई अंत नहीं है, मानसिक दुख का कोई अंत नहीं है। इसलिए बिना मतलब के दुख के साथ आपको अपने जीवन को नहीं जीना है। दुख है ना चांद खिला सद रात आने पर, क्या आवाज हो खिला फूल दस बसंत आने पर। जीवन संदेश, कवि का क्या जीवन संदेश है, कवि का संदेश है कि अगर आपको समय बीत जाने के बाद भी सफलता मिलती है तो भी आपको उस सफलता को गले लगाना है, उस सफलता का स्वागत करना है। ऐसा नहीं है कि समय व्यतीत हो गया तो आप सफलता को गले नहीं लगाएंगे। ये जीवन का संदेश है कि वसंत ऋतु चले जाने के बाद भी अगर कोई फूल खिलता है तो उस फूल का भी आप स्वागत करें। जो न मिला, आपने लाख प्रयास किए, करोड़ प्रयास किए, आपने सफलता प्राप्ति के बहुत प्रयास करें मगर बावजूद इसके आपको सफलता नहीं मिली तो फिर चिपके नहीं रहना उस चीज से। जो न मिला फिर भी नहीं मिला तो भूलो, वो आपका है नहीं। और क्या करो, भविष्य का वर्णन करो, भविष्य के बारे में सोचो मगर क्या मत करो, छाया मत छूना, अतीत की सुखद स्मृतियां याद मत करना। क्यों मत करना, मन होगा दुख दूना। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। मृग तृष्णा क्या है, प्रभुता के शरण की तुलना किससे की है और कवि ने अपने प्रिया की यादों को कैसे वर्णन किया है, कवि का रोमानी भाव। अब हम चर्चा करेंगे ऋतुराज, ऋतुराज की कविता का नाम है कन्यादान। देखिए कन्यादान कविता के समरी पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं अपन। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री की परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। देखिए आदर्श को इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, अर्थात विशेष बनाकर लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि परंपरागत सीख जो आदर्श के रूप में मान जाती है वो नहीं, आदर्श यहाँ पर विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, वर्तमान समय का आदर्श। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मूल में बने बंधन होते हैं। यस, देखिए समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी नियम जो बना लिए गए हैं वो वास्तव में सही नियम नहीं है कवि की नजर में। वे क्या है, वे महिलाओं के लिए नियम न होकर महिलाओं के लिए वर्तमान समय में बंधन का काम कर रहे हैं और कवि इन बंधनों को तोड़ने का इच्छुक है। कवि का कहना है कि कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। पंक्ति का अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। एक महिला की विशेषता होती है, नारी की विशेषता होती है कि वो कोमल होती है, संवेदनशील होती है, परिवार को लेकर चलने वाली होती है और वो अपने मर्यादित आचरण के अनुसार जीवन जीती है। ये समाज महिला की इन सभी विशेषताओं को अर्थात इस कोमलता को क्या मान बैठा है, कमजोरी मान बैठा है, अर्थात महिला का मजाक उड़ा दिया गया है। क्या उसमें सभी मानवीय गुण है, मानवीय गुणों का उपहास ये समाज कर रहा है और इसी कारण कवि को कहना पड़ा कि लड़की जैसा दिखाई मत देना।
ये हर प्रकार के आदर्शीकरण का प्रतिकार है, विरोध है। अर्थात आप मर्यादित आश्रम बनाए हुए हैं, आप शिष्टता के साथ व्यवहार कर रहे हैं, परिवार के आदर्शों को के साथ कार्य कर रहे हैं और परिवार के हर सदस्य का कहना मान रहे हैं। फिर इस कोमलता को अगर कोई कमजोरी मान बैठा है तो कवि इस प्रकार के आदर्शों का विरोध करता है। कवि का मानना है कि बेटी माँ की सबसे निकट और उसके सुख दुख को साथी होती है, इसी कारण से अंतिम पूंजी कहा गया है। माँ के लिए उसकी बेटी अंतिम पूंजी है। कविता में मात्र कोई भावुकता नहीं है, केवल सेंसिटिवता नहीं है, अर्थात सजीवता नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है। कवि सिर्फ भावुक नहीं है बल्कि अपने संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दी है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदनशीलता व्यक्त हुई है। अब यहां से जो प्रश्न बनेंगे इस कविता से, वो प्रश्न कहां से क्या बन सकता है देखना। देखिए प्रश्न यहां बनेगा, लड़की अभी सियानी नहीं थी का आशय स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि ऋतुराज ने स्पष्ट किया है कि लड़की जीवन के आगामी दुखों के बारे में बिल्कुल अनजान थी। उसे नहीं पता था कि उसे जीवन में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और गृहस्थ जीवन में कौन कौन सी चुनौतियां उनके पास आएंगी। उसे मात्र सुखों का एहसास था, इसलिए यहाँ पर सयानी सबसे आशय है गृहस्थ जीवन की आगामी चुनौतियों से अनजान होना। उसके बाद सुख का आभास तो होता था, दुख बांसा नहीं आता था, अर्थात आगामी जीवन का संघर्ष नहीं पता था, वर्तमान समय का सुख पता था। अर्थात यहां से प्रश्न बनेगा, इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि उसे समाज व्यवस्था के कुछ नियमों का तो पता था। धुंधले प्रकाश की का अर्थ है उसे कुछ तो सच्चाई पता थी, लेकिन वो किसी भी बात के, किसी भी व्यवस्था के, किसी भी समाज के गहराई तक अभी तक नहीं गई थी। इस कारण इस चीज की तुलना की है कि वो पाठिका थी कुछ टुको लयबद्ध पंक्तियों की। प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि माँ ने ऐसा क्यों कहा कि पानी में जाकर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना का अर्थ है प्रसन्न होना, खुश होना, क्योंकि माँ का मानना है कि शारीरिक सुंदरता से व्यक्ति कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता, बल्कि व्यक्ति को मानसिक रूप से सुंदर होना चाहिए और व्यक्ति को अपने आचरण से सुंदर होना चाहिए। तो यहाँ माँ ने सीख दी है कि आपको आपके आचरण से, मर्यादित शिष्टाचार आदि से सुंदर होना है। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं का प्रतीक अर्थ क्या है प्रश्न बन सकता है। इसका प्रतीक अर्थ है कि जिस प्रकार आग का सदुपयोग हम रोटी बनाने के लिए कर सकते हैं, उसी आग से हम जल भी सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आग से हम जल जाएंगे तो घर पर नहीं रखे। इसका अर्थ यह है कि उसका सदुपयोग करें हम। तो ठीक इसी प्रकार आपकी सारी सुंदरता का सदुपयोग आपके अच्छे कार्यों में करना है, न कि शारीरिक रूप से सुंदरता दिखाने में करना है। वस्त्र और आभूषण को स्त्री जीवन का बंधन बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि वस्त्र और आभूषण में यह पुरुष प्रधान समाज ने स्त्रियों को बांध दिया है और वे अपने आपके आचरण का और अपने आप का विकास नहीं कर पा रही हैं और वे एक स्वतंत्र सोच की धनी नहीं बन पा रही हैं। इस कारण माँ सीख दे रही है कि वस्त्र और आभूषणों में तुझे नहीं उलझे रहना है, ये स्त्री जीवन के बंधन है। लड़की होना, लड़की जैसा दिखाई मत देना। यहां से प्रश्न सकता, लड़की होने का तात्पर्य है हर प्रकार के आदर्श, हर प्रकार के मान सम्मान, हर प्रकार का शिष्टाचार और परिवार की खुशियों में हर प्रकार का योगदान देते रहना है। आदर्शवादी आपको बनना है और इन सब के साथ आप अगर आगे बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके पुरुष प्रधान समाज आपकी कोमलता को कमजोरी मान बैठा है, तो अंतिम उपाय माँ ने अपनी बेटी को बताया है कि उस समय आपको लड़की जैसा दिखाई नहीं देना है। लड़की जैसा दिखाई नहीं देना का आशय है हर प्रकार के अत्याचार का विरोध करना है, हर प्रकार के अत्याचार का प्रतिकार करना है और हर प्रकार के आदर्शवादी सोच का जो भी व्यक्ति विरोध करता है उसका भी आपको पुरजोर विरोध करना है। अर्थात आपको सबला बनकर दिखाना है, अबला नहीं बनना है, सबला बनना है। ये इसका अर्थ हो सकता है। इस प्रकार ये एक व्यापक अर्थ देने वाली कविता है। चर्चा करते हैं मंगलेश डबराल की संगतकार कविता। संगतकार क्या है, सबसे बड़ा प्रश्न है। संगतकार क्या है, हालांकि छोटा है लेकिन कईयों के लिए बड़ा है। क्यों है? क्योंकि संगतकार वह है जो मुख्य गायक का गायन में साथ देता है, वह संगतकार कहलाता है। संगीतकार नहीं है, संगतकार है। अब संगतकार इस कविता को अपन अगर समझें तो
तो ये कविता हमें क्या कहती है? कविता कहती है, कविता हम में ये संवेदनशीलता विकसित करती है कि प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि मानवता है। कवि कह रहा है कि जैसे आप अभी 10वीं क्लास में, आपकी 10वीं क्लास में अब तक आप आए हैं, और 10वीं क्लास तक आपको किस किस व्यक्ति ने पढ़ाया होगा, और ऐसे 10वीं क्लास के टीचर ने भी पढ़ाया होगा, तो आज आप 10वीं क्लास में 99% के साथ अगर उत्तीर्ण होते हैं तो 10वीं क्लास की उस टीचर का भी योगदान है। देखने एक बार फिर से देखते हैं, सबका अपना अपना महत्व है और उन टीचर्स का, उस 10वीं क्लास की टीचर का सामने न आना उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी मानवता समझी जानी चाहिए आपकी सफलता में। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दर्शात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हो। तो एक मानवता की सोच विकसित करने वाली ये कविता है। अब इस कविता से जो प्रश्न बन सकता है अपन उसी की थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि संगीतकार कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। कवि मानवीय मूल्यों की जो समझ है उसको आम जनता के सामने रखना चाहता है, और कवि का मानना है कि मनुष्य किसी पद से बड़ा नहीं होता है बल्कि मनुष्य बड़ा होता है हर व्यक्ति का साथ देकर उसे आगे बढ़ाने से, और अपने आप को आगे न करना और अपने आप को पीछे रखना, इससे मनुष्य की महानता बढ़ती है। तो यहाँ से प्रश्न गद्यात्मक रूप में ये कविता, वैसे कोई विशेष इसमें समझाने वाली बात है नहीं, मुख्य गाय की चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह सुंदर आवाज कमजोर कांपती हुई। प्रश्न बन सकता है कि मुख्य गायक की आवाज की क्या क्या विशेषता थी। तो मुख्य गायक की आवाज की विशेषता नंबर एक, सुंदर थी, कमजोर कांपती हुई, अर्थात मुख्य गायक, ये आवाज मुख्य गायक की नहीं है, ये आवाज किसकी है? संगीतकार की है। मुख्य गायक की आवाज की विशेषता क्या है? चट्टान जैसा भारी स्वर। जैसे प्रश्न है जो एग्जाम हॉल में याद नहीं आते हैं, कभी कभी हमें पता होना चाहिए। मुख्य गायक की आवाज चट्टान जैसा भारी स्वर, और वह जो आवाज आ रही है पीछे से वो कैसी है? उसकी विशेषता है तीन, सुंदर है, कमजोर है, कांपती हुई। वह मुख्य गायक का छोटा भाई या उसके शिष्य या पदक। अब यहां से प्रश्न बनता है, क्या बन सकता है? कि संगतकार के विषय में, संगतकार कौन? जो मुख्य गायक का साथ देता है। संगतकार के विषय में कवि की क्या कल्पनाएं हैं, अर्थात कवि क्या सोचता है? कवि के अनुसार वह हो सकता है मुख्य गायक का छोटा भाई हो, नंबर वन, या हो सकता है वो उसका शिष्य हो, नंबर टू, या हो सकता है उसका दूर से चलकर आने वाला कोई रिश्तेदार हो, नंबर थ्री। यह प्रश्न बन सकता है दो नंबर का। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गुंज मिलाता है प्राचीन काल से। यहाँ इस लाइन का अर्थ क्या है यह बताया जा सकता है, पूछा जा सकता है। उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से कवि मंगलेश तबराल कहना चाहते हैं कि क्या, अब यहां से उत्तर स्टार्ट होगा कि कोई भी व्यक्ति जिसको सफलता प्रदान करवानी है और किसी भी व्यक्ति को सफलता के शिखर तक पहुंचाने के लिए व्यक्ति उसका साथ देते आए प्राचीन काल से देते हैं, ये आज की परंपरा नहीं है, ये काम प्राचीन काल से होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न को बनाना है। गायक जब खो चुका होता है, अपने सरगम को लांग चुका होता है, सरगम यानी संगीत के सातों सुरों को लांग कर, और वो एक गुफा में अपने आप को पाता है, अकेला पाता है, भटकता हुआ पाता है, तब संभालता कौन है? संगतकार। किसको? गायक की, उस गीत के संगीत को संगतकार संभालता है। यहां से प्रश्न बनेगा एक कि संगतकार जब गीत की स्थाई को संभालता है तो इसकी तुलना कवि ने किससे की है? कवि ने इसकी तुलना की है जैसे गायक का कोई पीछे छूट गया सामान वो उठा रहा हो और उसको याद दिलाता हो उसके बचपन को, जैसे जब वह नौसिखिया था उसके बचपन को जैसे वो याद दिलाता हो। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तार सप्तक का क्या से है? साफ साफ यहाँ लिख रखा है तार सप्तक के बारे में, और सप्तक के बारे में, सप्तक का अर्थ है सात का समूह, सात कौन से? सात संगीत के स्वर, और ध्वनि की ऊंचाई और निचाई के आधार पर यह सप्तक का नाम पड़ा है। यदि साधारण ध्वनि है तो वो मध्य सप्तक, अगर ध्वनि मध्य है, मध्य से थोड़ी सी ऊपर है तो तार सप्तक है। तार सप्तक का अर्थ क्या है? कि मध्य सप्तक से ऊपर की ध्वनि को हम तार सप्तक कहेंगे। तो तार सप्तक अर्थात थोड़ी आवाज जब ऊंची होती है और उसका गला बैठने लग जाता है और उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ देती है कि मैं इस गीत के संगीत को सही तरीके से लयबद्ध नहीं कर पाऊंगा, तो जब उसकी प्रेरणा साथ छोड़ देती है तो कवि ने इसकी तुलना की है जैसे आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ। तभी कौन संभालता मुख्य गायक को? संगतकार का स्वर। और कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका साथ।
यहां पर प्रश्न बन सकता है कि संगीतकार यूं ही मुख्य गायक का साथ क्यों दे देता है, क्योंकि उसमें मानवता है और वह यह बताने के लिए देता है कि कोई बात नहीं, अगर आप असफल हो चुके हैं तो असफलता को सफलता में बदला जा सकता है, आप गलत गा चुके हैं तो उसको सही रूप में फिर से गाया जा सकता है। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, हिचक का मतलब वो संकोच करते हुए गाता है, अर्थात वो सामने बैठी जो दर्शक दीर्घा है उस तक ये बात नहीं पहुंचने देना चाहता कि मुख्य गायक का स्वर चट्टान जैसा है और वो भूल गया है और वो स्थाई को अर्थात गीत की स्थाई को भी भूल गया है, संगीत को भूल गया है, इस कारण उसकी आवाज में थोड़ी सी हिचक है। और ये हिचक इसलिए है कि वो गीत का संगीत याद दिलाना चाहता है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, अर्थात कि उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं उठना चाहिए, अन्यथा जनता अर्थात श्रोता ये सोचेंगे कि यह मुख्य गायक संगीतकार की तुलना में कम ज्ञानी है। इसलिए इस इच्छक को कवि कहता है, इस इच्छक को मैं उसकी विफलता नहीं कहूंगा, असफलता नहीं कहूंगा, बल्कि मानवता कहूंगा, मनुष्यता कहूंगा। बाबा चक संज्ञा शब्द है, ध्यान रखिए, ये उसकी मनुष्यता समझा जानी चाहिए। तो मानवीय मूल्यों को स्थापित करने का काम यहाँ पर संगीतकार कविता ने किया है। इस प्रकार यह था क्षितिज पद्य भाग और इस पद्य भाग से आपके प्रश्न आएंगे 4×2 8 नंबर के और 1×6 नंबर का पद्यांश, तो 14 नंबर के। ये पूरा पाठ आपको अच्छी तरीके से समझा दिया गया है, उम्मीद करता हूँ कि 14 में से 14 नंबर आएंगे। और गद्य भाग, अगले भाग में हम गद्य भाग की पूरी की एक साथ चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये 1 घंटे की किताब है। इस 1 घंटे की किताब को आप बार बार, अगर आप जैसे इसके लिए विशेष आपको समय निकालने की जरूरत नहीं है, खाना खा रहे हैं तो आप चला दो, वैसे देखने के लिए कोई बात नहीं है, बस क्या बोला जा रहा है, हर कविता की हर लाइन को बोला गया है, उसको समझाया गया, बार बार इसको समझो, बार बार इसको पढ़ो, फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप फोन करके किसी भी प्रश्न के उत्तर को पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है 100% तैयारी, 100% प्राप्तांक। तैयारी में 1% की भी कमी नहीं होनी चाहिए, ये मेरा आपके लिए संदेश है। और पढ़ते रहें, पूछते रहें, लोगों तक ये मैसेज है, अर्थात ये वीडियो ज़्यादा नहीं आपको फैलाना है, सिर्फ GIS के बच्चे तक फैलाना है, GIS के हर बच्चे के पास ये वीडियो जाना चाहिए। आपका कोई मित्र है तो उस तक ये अवश्य प्रेषित करें। और 10th COD के बच्चे को तो 27-28 को ये 5-5, 6-6 बार ये दोनों वीडियो देखने चाहिए। और क्योंकि आशातीत वृद्धि होगी, अगर आप 60 नंबर के पास है तो आप 80 आएंगे और अगर आप 50 के पास है तो 70 आएंगे। तो 2 दिन लगातार बार बार इन वीडियो को देखते रहना है। धन्यवाद।